नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन और पाक के साथ रिश्तों पर खुलकर बात की। जयशंकर ने कहा कि चीन के साथ बॉर्डर पर हालत अभी भी सामान्य नहीं है, सीमा पर संघर्ष का आपसी संबंधों पर असर पड़ा है। पाकिस्तान को लेकर जयशंकर ने कहा, सीमा पर आतंकवाद के कारण उनके रिश्ते सामान्य नहीं हो सकते। भारत ऐसी स्थिति को बर्दाश्त नहीं करेगा जहां रात में आतंकवाद होता है और दिन में व्यापार होता है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के साथ रिश्ते को लेकर एस जयशंकर ने कहा, हम आतंकवाद को सामान्य नहीं होने दे सकते, हम उसे पाकिस्तान के साथ चर्चा का आधार नहीं बनने दे सकते। जयशंकर ने आगे कहा, पाकिस्तान द्वारा सीमा पार से आतंकवाद की नीति के रहते हुए सामान्य संबंध होना संभव नहीं। मुझे लगता है कि भारत पाकिस्तान के बीच कुछ मुद्दे हैं और अब समय आ गया है कि उन मुद्दों की गंभीरता को पहचाना जाए। पाकिस्तान के अलावा भारत के दूसरे पड़ोसी देश चीन के साथ संबंधों को लेकर जयशंकर ने कहा, भारत चीन बॉर्डर पर स्थिति आज भी सामान्य नहीं है। LAC पर पिछले 3 सालों से दोनों देशों के सैनिकों के बीच गतिरोध चल रहा है। हालांकि जयशंकर ने चीन को एक बड़ा और अहम पड़ोसी बताया। उन्होंने कहा, हम मानते हैं कि चीन आज बहुत ही महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था और बड़ी शक्ति है, लेकिन कोई भी रिश्ता म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ट होता है और दोनों देशों को एक दूसरों के हितों और संवेदनाओं का सम्मान होना चाहिए। उन्होंने कहा, हमारे बीच जो समझौते हुए थे उनका पालन होना चाहिए और हमारे बीच जो सहमति बनी थी उससे अलग जाना रिश्तों में खटास ला सकता है। बॉर्डर पर स्थिति कैसी है उसका असर आपसी संबंधों पर पड़ता है। एक तरफ जहां चीन पाकिस्तान से भारत के रिश्तों में खटास रही, वहीं रूस के साथ अच्छे रिश्तों पर जयशंकर ने कहा, भारत और रूस के संबंध स्थिर रहे हैं। इस बीच रूस यूक्रेन युद्ध के कारण दुनिया में काफी हलचल हुई, भारत पर भी दबाव बना, लेकिन हमारे देश ने रिश्तों का मूल्यांकन कर उसके महत्व को समझा। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।